नमस्ते एवरीवन, मैं शीतल बाखरा स्टॉक ब्रोकर एनिमलोशलिया स्पेशली आप लोगों के साथ बात करूंगी। आपका जो इश्यू होता है सब ब्रोकर ब्रोकरशिप कैसे चुने, मतलब आजकल काफी सारे चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, डिस्काउंट ब्रोकर, ऑनलाइन ब्रोकर, ऑफलाइन ब्रोकर, ये सारा जो कंफ्यूजन है ना वो मैं आज आपका दूर करूंगी। ऑनलाइन ब्रोकर का मीनिंग होता है कि आप खुद ट्रेड कर लो, डिस्काउंट ब्रोकर का मीनिंग होता है कि आपको लिवरेज मिलता है, मतलब उनके बहुत सारे पैसे, आपके पास 1,00,000 रुपए तो आप 10,00,000 रुपए का लिवरेज उनसे ले सकते हो, आपको वो डिस्काउंट मिलता है। और ऑफलाइन ब्रोकर का मतलब होता है कि आपका जो भी ब्रोकर है आप उसको फोन करके ऑर्डर दे रहे हो और आपका ब्रोकर आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन ऑफलाइन एंड डिस्काउंट ब्रोकर। अब किस किस चीज के फायदे होते हैं और किन चीज के लॉसेस होते हैं, देखिए डिस्काउंट ब्रोकर का मीनिंग हो गया कि वो आपको लालच दे रहा है कि आप आओ ट्रेड करो और मुझे ब्रोकरेज दो, तो इसमें तो लॉस आपका ही हो रहा है क्योंकि आप अननेसेसरी लोन अपने सर पे ले रहे हो और उसके बाद में आप ट्रेड कर रहे हो और वो उसे कुछ लेना देना नहीं है, वो 245 टू 315 के बीच में आपके पोजिशन स्क्वायर अप कर देगा, वहां पे कोई इमोशंस काम नहीं करने वाले है। ऑफलाइन ब्रोकर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हैं और आपको पता है, मतलब आपके और आपके ब्रोकर के रिलेशन अच्छे हैं, अगर मैं आपके ब्रोकर हूँ तो मुझे पता है एक्स वाई जेड पर्सन जो है वो फाइनेंशियली सेफ है, अगर आज के दिन में लॉस हुआ है तो मैं BTST करवा सकती हूँ, मैं T+3 days दे सकती हूँ, मैं T+7 days भी दे सकती हूँ। दैट इज द मेन रीजन कि ब्रोकर और आपका जो बाउंडिंग होता है ना वो बहुत मैटर करता है, इसीलिए ब्रोकर ऐसे चुनिए। देखिए अगेन मैं बोलूंगी कि ब्रोकर रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। अब हमारे सारे जो ट्रेड्स है वो अननेसेसरी सारी फैमिलीज इश्यूज भी बन सकते हैं, इसीलिए ब्रोकर ऐसे चुनिए जो घर के आसपास होना चाहिए, उसके ऊपर आपका फेद होना चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके बाद में आपको उनकी सारी प्रोसीजर देखनी पड़ेगी। देखिए कम ब्रोकरेज में दे रहा है तो क्यों दे रहा है वो भी आपको जानना पड़ेगा, डिस्काउंट ब्रोकर है डिस्काउंट क्यों दे रहा है वो भी आपको जानना पड़ेगा, तो इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन, यस न्यूमरोलॉजी भी आपको यहाँ पे हेल्प करती है। आपका अगला सवाल कि न्यूमरोलॉजी यहाँ पे हेल्प करेंगी क्या, यस न्यूमरोलॉजी भी आपको हेल्प करती है। कि अब ये बहुत आगे की बात होगी कि आपको आपके ब्रोकर की बर्थ डेट पूछनी पड़ेगी, उसके साथ आपका कैसे जमेगा, वो सारी बात की बात होगी, बट अगर सेफर साइड जाना है तो आई एम ऑलवेज प्रेफर ऑफलाइन ब्रोकर्स ऑलवेज बेस्ट है, डिस्काउंट ब्रोकर के तरफ झुकाव मेरा थोड़ा कम होता है क्योंकि वो आपको लालच दे रहे कि आप आओ यहाँ पे और ट्रेड करो, तो उससे हम लोगों का लॉस होता है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है कि 1,00,000 रुपए दे रहा है, उसके ऊपर 1,00,000 रुपए आपको यूज करने के लिए मिल रहे हैं, तो मेरा ज्यादा बड़ा ट्रेड होगा और मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाऊंगा, बट वो कितनी बार होगा, एक आध बार अगर आपका ट्रेड गलत गया तो आपका जो पैसा कमाया हुआ वो तो सारा चला गया। यही अगर ऑफलाइन ब्रोकर के साथ आपके रिलेशन अच्छे होते थे तो आप BTST में उसे कन्वर्ट कर सकते थे, नहीं होता था तो आप उसकी डिलीवरी लेके जा सकते हो। सो दैट इज द मेन रीजन कि ब्रोकर चॉइस होना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं, काफ़ी सारे मार्केट में हमने रिव्यूज देखे, यस काफ़ी सारे ग्रुप्स में मैंने कल डाला था और मुझे अपोज किया गया था कि शीतल सिंगापुर निफ्टी अभी तो फिलहाल प्लस है और तू कैसे बोल रही है कि कल मार्केट निगेटिव खुलेगा, तो यही एक रीज़न था कि ब्रोकर ऐसे चुनिए कि जिसके पास इनसाइडर न्यूज़ काफ़ी अच्छे से हो, उसे नॉलेज हो, अगर कोई ट्रेड में आप फंस जाते हो तो वो आपको बाहर निकालने के लिए हेल्प करे। ऑनलाइन में कोई किसी को पहचानेगा नहीं, आपने ट्रेड डाल दिया, उन्होंने ट्रेड ले लिया, मशीन ने ट्रेड स्क्वायर अप कर लिया। हाँ बट यही अगर आप ऑफलाइन ब्रोकर के साथ होते हो तो आपका ऑफलाइन ब्रोकर आपको हेल्प करेगा, वो सामने चार्ट देखेगा, वो बता देगा आपको कि इसमें ये मूवमेंट हो सकती है, हम लोग 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक रुक सकते हैं, तो अगर उसको ब्रोकर के साथ अगर स्टॉक मार्केट का नॉलेज हो तो ये आपके लिए वर्थ नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। यस अगर न्यूमरोलॉजिस्ट ब्रोकर के साथ हो तो और कितनी हेल्प हो सकती है ये भी आप सोच सकते हो। चलिए बात करते हैं आज के प्रॉफिट की, यस प्रॉफिट तो बनता ही है एज ऑलवेज। छोटा छोटा प्रॉफिट आज बताऊंगी, कल काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, आप यहाँ पे देख सकते हो
600 क्वांटिटी आज हमने 1836 पे खरीद ली है और हमने यहाँ पे 1200 क्वांटिटी सेल की है और यहाँ पे आप देख सकते हो 4090 रुपीज़ का प्रॉफिट होते हुए आप देख सकते हो। देखिए ट्रेड के लिए हम लोग बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं जो मैं आपको क्लासेस में सिखाती हूँ। ब्रोकर के बारे में भी हमारा क्लासेस में काफ़ी बड़ा डिस्कशन होता है कि आपको ब्रोकर कैसे चुनना चाहिए, ब्रोकर के साथ आपके रिलेशंस कैसे होने चाहिए, साथ में न्यूमरोलॉजिकली तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प ही करती हूँ, तो ब्रोकर आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। स्टॉक मार्केट का नॉलेज आपको भी होना ज़रूरी है। अगर ब्रोकर कोई चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेगा बट आपके वो समझ में ही नहीं आएगा, 10% लिवरेज दे रहा है बट वो लिवरेज में यूज़ कहाँ करूँ यही आपको पता नहीं है, ट्रेंड में कैसे डिसाइड करूँ यही आपको नहीं पता है, तो आप मार्केट से पैसे अननेसेसरी लॉस करने से बेटर है थोड़ी सी फीस आप देके अगर स्टॉक मार्केट सीख लोगे तो लाइफ लॉन्ग इसका बेनिफिट तो आपको होने ही वाला है। तो यस, आने वाले फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन इवनिंग 7 to 9 एंड यस लेडीज स्पेशली 4 to 6 आप लोगों के लिए मैंने एक बैच रखी है। सो 4 to 6 7 to 9 ऐसे 2 बैचेस है, 3 दिन थेरी रहेगी। इसमें ब्रोकर्स की डिटेल्स मिलेगी, स्टॉक मार्केट की ईच एंड एवरी डिटेल्स मिलेगी विथ मैजिक फॉर्मूला, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू डिसाइड ट्रेंड, न्यूज़पेपर से आपको कैसे कॉल लेना है, न्यूज़ चैनल्स पे आप देखिए आपके पास जब न्यूज़ आती है ना, मैं बहुत बार आप लोगों को बोलती हूँ कि जब वो ब्रेकआउट दे चुका है तब आप जाके बाइंग करते हो, जब आप ब्रेकआउट वो नीचे की तरफ दे चुका है तब आप जाके सेलिंग करते हो, इस बीच में हम लोग पैसे लेके निकल जाते हैं, वही सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों को भी सिखाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस फटाफट हम लोग बुकिंग करते हैं और फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की बैच। यस, अगर साथ में आप न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन लोगे तो मैं आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी ऑफर करने वाली हूँ। टिल देन गाइस ऑल द बेस्ट।